रवींद्र वस्त्र निकेतन सलगरे, खास लग्न बस्ता व आहेरासाठी फेस्टिवलची खरेदी आता रवींद्र मध्येच। आमच्या सर्व मिनी स्टोअर्स मध्ये तोच दर, तीच सेवा व 51% भरघोस डिस्काउंट। त्वरा करा, आज जवळच्या मिनी स्टोअर्सला भेट द्या। आमचा बदललेला पत्ता, परशुराम हॉल, विटा रोड, तासगाव व श्री डोंगराई मंदिरासमोर कडेगाव, विटा रोड कडेगाव, तसेच रेनावी रोड शासकीय गेस्ट हाऊस समोर विटा। नमस्कार, आज आपल्या स्टुडिओत डाव्या चळवळीतल्या आणि CPM च्या राष्ट्रीय नेत्या वृंदा करात आज आपल्या स्टुडिओत आलेत, आपल्याशी मनमोकळ्या गप्पा मारणार आहेत। वृंदा करात म्हटलं की एक प्रसन्न व्यक्तिमत्व, भव्य कपाळ आणि त्या कपाळावरची ठसठशीत मोठी टिकली असा एकदम रुबाबदार चेहरा आपल्या नजरेसमोर उभा राहतो, त्या वृंदा करात आज आपल्यासमोर आहेत। नमस्कार, वज्रधारणी आपका बहुत बहुत स्वागत। हम आपसे बात करना चाहते हैं, आज देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारा आपको पहला सवाल है, देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव में कि ये लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा? हमारे संविधान में लिखा है वी द पीपल, हम भारत के लोग, तो भारत के लोगों के ऊपर है कि संविधान जनवाद, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय बचेगा या नहीं बचेगा। जब आज़ादी की महोत्सव को हम लोग मनाते हैं तो पहला सवाल है कि आज के भारत में जो आज़ादी के संघर्षों का प्रतीक संविधान बना उसके ऊपर कहाँ से हमला हो रहा है, जो हम आज बात कर रहे हैं बचाने की, जनवाद बचाने की। पहले तो ये स्पष्ट होने की ज़रूरत है, ब्रिटिश ज़माने में ये बिल्कुल स्पष्ट था। अच्छा, लेकिन आज कौन हमला कर रहा है, आज जनवाद कहाँ से, जनवाद को खतरा हो रहा है, ये पहले पहचानने की ज़रूरत है। उस पर अगर आप हमसे पूछे कि जनवाद बचेगा कि नहीं, पहला सवाल है जनवाद किससे बचाना है। इस देश में जो जो लोग धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो लोग हिंदू राष्ट्र की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, आज जो RSS भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में, जिन्होंने आज़ादी के संघर्ष के साथ उनका कुछ लेना देना नहीं था और कुछ लेना था तो केवल ब्रिटिश के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के हिस्से के रूप में उन्होंने उस समय भी देश को धर्म के नाम पर बांटने का प्रयास किया। उन्होंने मनुस्मृति की विचारधारा को सामने रखकर कहा कि यही हमारा आदर्श है, यही हिंदू का कानून है और यही भारत का कानून बनेगा, और आज भी सत्ता का दुरुपयोग और उपयोग करके, वोट का दुरुपयोग और उपयोग करके वही संविधान के ऊपर जो उन्होंने कभी नहीं स्वीकार किया उसी के ऊपर आज हमला है। तो पहले सवाल जो आपका है, जनवाद को बचाना है बीजेपी RSS सरकार और उनके संघ परिवार के विचारधारा और नीतियों से बचाने की ज़रूरत है, और निश्चित रूप पर भारत के लोग जो स्वतंत्रता की आशाएं, सपनों, कुर्बानी के आधार पर ज़रूर प्रतिरोध करके बचाएंगे जनवाद को। मैं कभी भी निराशा, कभी भी मैं उसकी मतलब महत्व को मैं नहीं मानती हूँ, क्योंकि हमने देखा कि जहाँ जहाँ हमला हुआ है ऐसे रिजिस्ट करने वाले भी लोग निकल के आते हैं और आज भी हैं। हालांकि आज अगर आप चुनाव में ही देखें तो 60% लोगों ने तो भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया वोट में भी, लेकिन विपक्षी दल इकट्ठे नहीं ना। देखिए, जब आप विपक्षी दल की बात करते हैं तो विपक्षी दलों की अपने अपनी नीति है,
अपने अपने तौर तरीके हैं। जहाँ तक विपक्षी दलों की बात है, मैं उसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। मैं केवल अपनी पार्टी CPIM, वाम दल और सामाजिक न्याय के आंदोलन के बारे में मैं कह सकती हूँ कि बगैर कोई समझौता के हम लोग देश के लोकतंत्र को, देश के सामाजिक न्याय के लिए, मजदूर किसानों के हित के लिए हम लड़े हैं, हम लड़ रहे हैं, और हम कभी भी सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम पर कभी हम समझौता करने वाले नहीं हैं। और ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि कुछ मुद्दों पर निश्चित रूप पर हमारी ये समझ है कि तमाम विपक्षी दलों को जो अग्रीड मुद्दे हैं उसके आधार पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम एक साथ मिलकर लड़ें। अच्छी बात। जिन लोगों ने आज़ादी के 50 साल तक अपनी शाखाओं पर तिरंगा नहीं लहराया, वो आज वही लोग घर घर तिरंगा लहराने जा रहे, क्या बोलेंगे आप इस पर? देखिए, RSS का जो चरित्र है, 1950 में उनका जो पत्रिका है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने कहा ये तिरंगा और ये तीन झंडा, तीन रंग का जो झंडा है अशुभ है, ये अशुभ है, और ये अशुभ झंडा को कोई भी भारतीय नहीं स्वीकार कर सकता है। हम भगवा के लोग हैं, हम भगवा झंडा के लोग हैं। तो आज अगर 75 साल के बाद उनको वही तिरंगा हर घर में, तो उनकी अपनी आइडियोलॉजी का दिवालियापन स्पष्ट हुआ, क्योंकि आज तक कोई RSS का लीडर ने नहीं कहा जो हमने उस समय कहा और लिखा था वो गलत था। आज कोई बोला है? और जो लोग हमें पाठ पढ़ा रहे हैं देशभक्ति के, उनकी देशभक्ति क्या थी? ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का पूरे तौर पर 1925 से लेकर आज तक वो वही पॉलिसी चला रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है देश के जो जवान लोग हैं वो BJP के शिकार क्यों हो रहे हैं, RSS के शिकार क्यों हो रहे हैं? शिकार तो अच्छी बात है, क्योंकि शिकार का मतलब कोई टारगेट कर रहा है और वो शिकार बन रहा है, इसलिए मैं शिकार बोल रहा हूँ। बहुत सही बात है, मैं इसको बिल्कुल 100%, वो स्वयं नहीं जा रहे हैं, वो शिकार बन रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत यूथ है जो सड़कों पर उतरे इसके खिलाफ। अग्निपथ में आपने क्या देखा? जिन लोगों को शिकार बनाने का प्रयास किया वो सड़क पर उतरे। BJP पूंजीवाद और कॉर्पोरेट इंडिया का पूरे तौर पर समर्थन करके, एक तरफ हिंदुत्व का लोगों को बांटने का और दूसरी तरफ पूरे तौर पर प्रो कॉर्पोरेट नीति अपनाकर यूथ के भविष्य को अंधेरे में ढकेलने का प्रयास कर रहे हैं। तो यूथ, सारे यूथ जो उनके शिकार बन रहे हैं, मैं इसको नहीं मानती हूँ, बहुत बड़ा हिस्सा उसके विरोध कर रहे हैं। लेकिन जो भी विरोध करते हैं उनके जो प्रतिनिधि हैं उनको ऐसे आतंकित करते हैं, जेल में भेजते हैं। अब आप बताइए, आदिवासियों के बीच जो सबसे बड़ा हमला है, आज कितने UAPA के केसेस निर्दोष आदिवासियों के ऊपर ये BJP प्रदेश सरकारों ने लगाया माओइस्ट बोलकर, आज वो अंडर ट्रायल हजारों की तादाद में, आज भी वो जेल में, जो जब हम आज़ादी महोत्सव मना रहे हैं हम उनके बारे में भी हमें सोचने की ज़रूरत है, जो आज जेलों में बंद है, और उनकी आज़ादी छीनने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी BJP की है, जो उन्होंने UAPA को यूज़ किया, NSA को यूज़ किया, जितने काले कानून हैं सबको बंद करके आवाज़ को। यही भीमा कोरेगांव के केस में क्या हुआ? आज जो RSS के लीडर्स जिन्होंने वो सब करवाया वो तो घूम रहे हैं माला पहनाकर, और जिन्होंने संघर्ष किया आदिवासी दलितों के ऊपर, वो सब क्या नाम है उस जेल का, तालजोला जेल बॉम्बे में, वो सबको बंद करके रखे। दूसरी तरफ से वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर, देखिए द्रौपदी मुर्मू जी के अपने एक अस्तित्व है, और पहले बार आदिवासी महिला के नाम से एक राष्ट्रपति बनी है, प्रेसिडेंट बनी है। उनके बारे में हमारी कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं है, बल्कि श्रद्धा है उनके।
के लिए, इज्जत है उनके लिए। लेकिन बीजेपी आरएसएस का जो गेम है कि एक आदिवासी के नाम पर बनाए और तमाम आदिवासियों के ऊपर हमला करें, द्रौपदी मुर्मू जी की राष्ट्रपति पद संभालने के एक हफ्ते के अंदर अंदर उन्होंने वो एफसीए रूल्स को लेकर आए हैं जो आदिवासियों की ग्राम सभा को बिल्कुल समाप्त कर लेते हैं। तो क्या है, आप सिंबल ला रहे हैं और ज़मीनी तौर पर आदिवासियों जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े हैं, ब्रिटिश ज़माने में जो सबसे बड़े लड़ाई लड़ने वाले आदिवासी थे, उनके आप हक छीन रहे हैं जैसे ब्रिटिश ने छीना, आज वही आप कर रहे हैं और आप उनको हिंदुआइज करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बड़ा डिमांड है आदिवासियों का कि सरना आदिवासी कोड सेंसस में होना चाहिए धर्म के नाम पर। आरएसएस बीजेपी उसको स्वीकार नहीं कर रही, वो कहते नहीं तुम लोग सब हिंदू धर्म लिखो। क्यों लिखे जब हम सरना या हम आदिवासी परंपरा और धर्म के आधार पर हम जीते हैं, तो हम क्यों किसी और धर्म का नाम लिखते हैं? आज केंद्रीय संस्था के माध्यम से, जैसे ईडी के माध्यम से विपक्ष की आवाज़ बंद करने की कोशिश चल रही है। ये तो मोदी जी की तय नीति है, विपक्ष में हो तो ईडी, और अगर बीजेपी में आ जाओ तो दूध के धुले हुए स्पेशल वॉशिंग पाउडर बीजेपी अमित शाह के लेकर आप बिल्कुल पाक साफ हो जाते हो। ये इतनी शर्म की बात है कि इतने सिलेक्टिवली ईडी को, अभी मेरे पास एक आंकड़ा आया है जो पार्लियामेंट में दिया था, 3600 के लगभग पीएमएलए, मतलब ये जो मनी लॉन्ड्रिंग के एक काला कानून बनाया है, क्योंकि वो सिर्फ कोई अधिकार नहीं है उसमें, जो सरकार चाहे ईडी वो करे, इतने केसेस लगे और इतने रेड्स हुए हैं, लेकिन पिछले 5 साल में केवल 23 को दोषी स्वीकार किया गया कोर्ट ने। तो आप बताइए, ये हथियार है और कुछ नहीं अभी विपक्ष को। और महाराष्ट्र में जो हुआ, वही कर्नाटक में हुआ, वही एमपी में हुआ, 2014 और आज के बीच 12 ऐसे केसेस हैं जहां वोट नहीं मिला लेकिन पैसे के बल पर 10 जगह सरकारें बनी। ये है बीजेपी। ये आज विपक्ष के विधायक खरीद कर रहे हैं। अटल जी का सरकार एक वोट के कारण गिरा था, अब क्या फर्क करेंगे इसमें मोदी जी की राजनीति और अटल जी की राजनीति में? देखिए, आइडियोलॉजी तो एक ही है। उस समय वाजपेयी जी के पास भारी बहुमत नहीं थे, तो वो क्या करना चाह रहे थे उस समय, अडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, वो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप पर गुजरात की जेनोसाइड के बाद अटल जी ने कहा मोदी जी के राज के बारे में कि जो पॉलिटिक्स होना चाहिए, धर्म का मतलब धर्मा, गवर्नेंस, तो उन्होंने मोदी जी के उस राज के बारे में एक टिप्पणी की। आज कौन है मोदी जी पर टिप्पणी करने वाले? आज तो बीजेपी की इतनी, मतलब वो कहते हैं पार्टी विद अ डिफरेंस। डिफरेंस ज़रूर है कि सारे पार्टीज को डिफेक्टर्स को लेकर आप अपनी बहुमत बनाओ, पूरे कॉर्पोरेट के पैसे लेकर आप लोगों को खरीदने के प्रयास करो और फिर पार्लियामेंट में जाकर मतलब माथे टेको कि भाई हम तो जनवाद के हम तो जनवाद के पक्ष के हैं। हम कहते हैं हिंदुस्तान को मोदी जी की जनवाद की परिभाषा से बचाना चाहिए, मैं यही कहूँगी। आप यहाँ आए, हमसे अच्छी सी बात की, खुलकर बात की, इसलिए धन्यवाद। आपको भी शुक्रिया। विश्वासाची व गुणवत्तेची परंपरा जोपासणारे दर्जेदार अद्यावत आणि भरपूर व्हरायटीज असलेल्या टाइल्सचे भव्य दालन मयूर टाइल्स। आमच्याकडे कडप्पा ग्रेनाइट, मार्बोनेट, स्पार्टेक्स, ग्लेज टाइल्स सर्व स्टाइल्स मध्ये उपलब्ध आहेत। तसे सॅनिटरी वेअर, सिनेटेक्स टॅकी, प्लंबिंग मटेरियल, पीव्हीसी, मयूर बंब, सीपी फिटिंग, पेविंग ब्लॉक,
मयूर वॉटर टैंक स्टील सीमेंट से होलसेल व रिटेल विक्रेते तुमच्या घराला सुंदर व परिपूर्ण करण्यासाठी आज संपर्क करा। प्रत्येक घराशी व घरातल्या प्रत्येकाशी नातं जोडणारं टाईल्सचे भव्य दालन मयूर टाईल्स। आमचा पत्ता कराड रोड विटा।